फटाक 30 सेकंड में खबर, डाउनलोड कीजिए तक ऐप, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर अभी क्लिक करें। कोरोना काल में कारोबार जगत ने कई उलटफेर देखे हैं। मसलन देश की अर्थव्यवस्था को बचाने में कृषि जगत महामारी के दौर में सबसे ज्यादा मददगार साबित हुआ। इसी तरह वर्क फ्रॉम एनीवेयर की वजह से अपने होम टाउन लौटकर लोगों ने छोटे शहरों की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में काफी योगदान किया है। छोटे शहरों की ये बढ़ती ताकत कॉरपोरेट इंडिया को भी अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर कर रही है। प्रतिभाशाली युवाओं की नियुक्ति के लिए कंपनियां उनके पीछे पीछे घूम रही हैं। इसके असर से अहमदाबाद, चंडीगढ़, तिरुवनंतपुरम, भुवनेश्वर, नागपुर, इंदौर, जयपुर और वडोदरा जैसे शहरों में वर्क फ्रॉम एनीवेयर कर रहे युवाओं की सैलरी में खासा इजाफा देखा जा रहा है। रैंडस्टैंड की सैलरी ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक देश के छोटे शहर अच्छी कमाई करने वाले प्रोफेशनल के घर बन गए हैं। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि अहमदाबाद इस मामले में देश का सबसे तेजी से बढ़ता शहर बन गया है। अगर छोटे शहरों की बात करें तो चंडीगढ़ सैलरी के मामले में टॉप पर पहुंच गया है, जहां जूनियर एम्प्लॉई की औसत सैलरी 5.7 लाख रुपए सालाना है, जबकि राष्ट्रीय औसत 4.4 लाख रुपए है। वहीं मिड लेवल जॉब की चंडीगढ़ में औसतन सालाना सैलरी 13.7 लाख रुपए है, जबकि राष्ट्रीय औसत 11 लाख रुपए है। जानकारों का मानना है कि छोटे शहरों में खर्च करने के कम विकल्प होने और महंगाई के भी बड़े शहरों से कम होने की वजह से ये प्रोफेशनल्स खूब खर्च कर रहे हैं। अब बात करते हैं सीनियर लेवल के जॉब्स की। इस मामले में 31.2 लाख रुपए के औसत वेतन के साथ भुवनेश्वर टॉप पर है। वहीं केरल का कोच्चि 28.8 लाख रुपए के औसत वेतन के साथ दूसरे और 26.5 लाख रुपए औसत वेतन के साथ चंडीगढ़ तीसरे नंबर पर है। देश के बड़े शहरों की बात करें तो जॉब और सैलरी के मामले में जूनियर लेवल पर सबसे ज्यादा सैलरी बेंगलुरु में है, जहां औसतन सैलरी पैकेज 6.7 लाख रुपए है और मिड लेवल जॉब के लिए ये 18.1 लाख रुपए है। सीनियर लेवल जॉब्स में मुंबई 35.7 लाख रुपए के औसतन वेतन के साथ टॉप पर है। दिल्ली NCR सीनियर लेवल जॉब के मामले में 32.6 लाख रुपए के औसत वेतन के साथ तीसरे नंबर पर है। यानी छोटे शहर इन बड़े शहरों से ज्यादा पीछे नहीं है और यही वजह है कि टीयर 2 शहरों की इकोनॉमी में उछाल आ रहा है।